हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ग्राम चैनल। टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर 3, टर्मिनोलॉजीज एंड आईएस 800 2007 स्पेसिफिकेशन फॉर द बोल्टेड कनेक्शन। आज हम लोग टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो हम लोग बोल्टेड कनेक्शन में यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है आपका गेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव बोल्ट्स ऑफ एडजेसेंट रोज एंड मेजर्ड एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ लोड्स। ये जो डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस आपकी मेज़र की जाती है दो बोल्ट्स के बीच में, दो आपके कंसिक्यूटिव बोल्ट्स होते हैं उन बोल्ट्स के बीच में डिस्टेंस की जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लोड की डायरेक्शन के 90 डिग्री हम मेज़र करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर ये आपकी कोई स्ट्रक्चर्स है और इसमें अगर लोड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर लोड लग रहा है पी मैग्नीट्यूड का, तो जो हम लोग इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे अगर ये दो रिवेट्स हैं तो ये जो इन दो के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 90 डिग्री पर, ये आपकी गेज डिस्टेंस कहलाएगी। सेकेंड है हमारी पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स इन अ रो मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रोड। ये क्या है कि जैसे अगर आपका लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो अगर ये आपकी रिवेट्स हैं तो रिवेट्स में ये आपकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी बिटवीन टू रिवेट्स में, जैसे 1 और 2, इन दो रिवेट्स के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी ये आपकी पिच कहलाएगी। इसको हम स्मॉल पी से शो करते हैं, यह आपकी स्मॉल पी से शो करते हैं। थर्ड है आपका एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस को हम स्मॉल ई से शो करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट बोल्ट फ्रॉम द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट। जैसे ये आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि आपकी ये प्लेट की एज है, इस एज से जो आपकी नियरेस्ट रिवेट है उस तक की जो डिस्टेंस होगी ये आपकी एज डिस्टेंस कहलाएगी। और लास्ट है हमारी एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ई डैश से। ई डैश इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट बोल्ट होल फ्रॉम द एंड ऑफ द प्लेट। ये आपकी प्लेट अगर यहाँ है और यहाँ पर एंड हो रही है तो उसके पास जो आपके नियरेस्ट जो रिवेट जो बोल्ट होल होगा उस तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी ई डैश कहलाएगी। अगर ये आपकी प्लेट है और इस पर यहाँ पर लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पी लग रहा है इसमें और सेम इधर इस डायरेक्शन में, तो जो आपकी पहला जो हमने डिस्कस किया था गेज डिस्टेंस वो आपकी एडजेसेंट में कॉन्सिक्यूटिव टू रिवेट्स के बीच की डिस्टेंस वो आपकी जी होगी। ये पिच सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बोल्ट होल इन द रो इज पिच स्मॉल पी। एज डिस्टेंस इज E एंड एंड डिस्टेंस इज ई डैश। IS कोड प्रोविजंस की बात करते हैं फॉर पिच एज डिस्टेंस फॉर द बोल्ट होल। तो IS 800 2007 कुछ कहता है इन पिच एज डिस्टेंस के बारे में कि ये आपकी कनेक्शंस में कितनी होनी चाहिए। तो IS 800 आपका कहता है कि जो पहला है कि पिच जो होगी वो आपकी कम नहीं होनी चाहिए, नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स डी। आपकी जो पिच होनी चाहिए वो आपकी 2.5 टाइम्स डी से कम नहीं होनी चाहिए स्ट्रक्चर में। यहाँ पर डी जो है वो आपका नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट है। सेकंड जो कहता है अगर आपका टेंशन मेंबर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपकी जो पिच होनी चाहिए नॉट लेस देन 16T और 200 mm। 16T मतलब जो थिकनेस ऑफ द टेंशन मेंबर होगी और 200 mm, इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी लेस होगी वो आपकी पिच होगी। थर्ड जो है वो आपका कंप्रेशन मेंबर है। कंप्रेशन मेंबर में जो आपकी पिच होगी वो आपकी 12T और 200 mm से कम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में से जो वैल्यू लेस आएगी वो आपकी पिच हो जाएगी। अगर सपोज करते हैं टी जो होगी अगर वो 10 mm है हमारी, तो अगर टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर में अगर हम पिच होगी हमारी तो वो कितनी हो जाएगी, 16 × 10 यानी कि 160 और 200 mm।
तो इन दोनों में से सबसे कम कौन है, 160 है, तो आपकी टेंशन मेंबर के लिए पिच 16T हो जाएगी। सेम आपकी कंप्रेशन मेंबर में अगर देखेंगे तो 12 × 10 और 200 mm, तो 120 और 200 mm, इन दोनों में 120 लेस है, ये आपकी कंप्रेशन मेंबर की हो जाएगी। अगर हम पिच, अगर हम बोल्ट्स में भी अगर अगर हम देखें तो 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए। तो 2.5D डी नॉमिनल डायमीटर था। अगर 20 mm डायमीटर का अगर आपका बोल्ट है तो 20 × 2.5 अगर हम लोग करेंगे तो 5 से ज़्यादा आपकी पिच इससे कम नहीं होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है आपका गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस को कोर्ट ने कहा है कि गेज डिस्टेंस जो है वो आपकी नॉट मोर देन 200 mm और 100 + 4 × t विच एवर इज लेस। 200 mm और 100 + 4 × थिकनेस ऑफ द मेम्बर, इससे कम आपकी गेज डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ है आपकी एज डिस्टेंस, जिसको हमने ई से शो किया था। तो ये आपकी 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस ऑफ मशीन कट फ्लेम और रोल्ड, और 1.75 टाइम्स द होल डायमीटर इन केस ऑफ शीयर्ड और हैंड फ्लेम कट रोल्ड। तो ये आपके कुछ केसेस हैं कि जब आपको अगर कहा जाए कि आपका मशीन कट फ्लेम है या रोल्ड है तो आप 1.5 टाइम्स द होल डायमीटर करके निकालेंगे एज डिस्टेंस, और 1.7 टाइम्स द होल डायमीटर लगाएंगे। इनसे जो वैल्यू निकल के आएगी उससे कम वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे एज डिस्टेंस को एडप्ट करने के लिए। अब हम लोग कुछ जॉइंट्स की बात करते हैं कि जो हम लोग बोल्टिंग बोल्टेड कनेक्शन करते हैं, तो उन कनेक्शंस के लिए हम लोग जॉइंट फॉर्म करते हैं। उन जॉइंट्स की हेल्प से उन मटेरियल को हम लोग मेट करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो आपका बट जॉइंट है। बट जॉइंट क्या होता है कि इन दिस टू प्लेट्स आर बट अगेंस्ट ईच अदर एंड कवर प्लेट इज़ प्रोवाइडेड। इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपका पहला मेंबर है और ये आपका दूसरे प्लेट है स्टील की, इन दोनों को अगर हमको जोड़ना है, ऐड करना है ये और ये प्लेट, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको हम एक प्लेन में रखेंगे, इनको बट करेंगे, और ये जो है टॉप वाली पोर्शन ये आपकी कवर प्लेट कहलाती है। वन एंड सेकंड, दिस इज द कवर प्लेट। आप इन दो कवर प्लेट्स की हेल्प से इनको ज्वाइन करके और इसमें होल करके आप इसमें बोल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसका प्लान देखें तो ये जो आपके होल्स हैं ये आपके बोल्ट्स के लिए हैं कि दो बोल्ट्स प्रोवाइड करे गए हैं एक रो के अंदर। ये आपकी इस कवर प्लेट का प्रोजेक्शन है और ये आपकी ये ओरिजिनल थिकनेस ये प्लेट की है और ये आपकी टोटल प्लेट की डायमेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक रेक्टेंगुलर प्लेट की। नेक्स्ट है हमारा लैप जॉइंट। लैप जॉइंट में क्या करते हैं, इन दिस प्लेट्स आर ओवरलैप्ड वन अनदर एंड कनेक्टेड बाय बोल्ट्स। इसमें क्या करते हैं कि ये आपकी पहली प्लेट है स्टील प्लेट और ये आपकी दूसरी प्लेट है, इनको आप एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे लैप थ्रू। उसके बाद यहाँ पर आप होल्स प्रोवाइड करेंगे इन दोनों में और यहाँ पर आप बोल्टिंग कर देंगे। जिस तरीके से यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर हम एक रो में हमने दो बोल्ट्स प्रोवाइड करें, ये प्रोजेक्शन जो है आपका डॉटेड लाइन का ये आपकी इस प्लेट की प्रोजेक्शन को शो करता है और ये जो है ये आपका इस प्लेट के एंड को शो करता है। दो डायरेक्शन में आपके लोड्स लगे हुए हैं पी एंड पी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।